गाड़ी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मेरे काफ़ी वीडियो का एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है और आज का ये वीडियो जो है सभी वीडियो को सभी काफ़ी ब्लॉगिंग को जोड़ करके एक ही वीडियो में मैंने एडिट किया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा है, अगर आपको अच्छा ना लगे और दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने अलग वीडियो में बनाया है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो चलिए बिना समय गवाए देखते हैं आज का वीडियो। इनके गाड़ी का कुछ खराब हुआ है, नीचे झुक करके गाड़ी में घुस करके ये लोग देख रहे थे पुलिस वाले। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोगों को राइट या लेफ्ट मुड़ना है, देखिए गाड़ी का पेट्रोल खाली हो गया, गाड़ी को टेढ़ा करके सोच रहे हैं कि शायद चल जाए। वैसे भी ये तो नेचुरल बात है ना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोगों के जेब कटे जा रहे हैं। मैंने तो उस समय से बाइक चलाना स्टार्ट किया था जिस समय में पेट्रोल का रेट 40 रुपये था, उस समय से मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया था और आज सीधा 106 रुपये हो गया था और अभी 95 था। दोस्तों, सोच रहा हूँ कि इसी तरह से चला जाऊँगा, अगर कोई पुलिस वाला कुछ पूछेगा तो फिर देख लेंगे। वैसे मोटो ब्लॉगिंग करना कोई जुर्म तो है नहीं, मोटो ब्लॉगिंग करना कोई जुर्म तो नहीं है कि कोई मना करेगा। ओह, एक चीज़ आपको बताया नहीं कि बर्थडे पार्टी आज नहीं है, बर्थडे पार्टी है कल। तो एक दिन पहले मुझे बुलाया है क्योंकि कल से सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हम ही लोगों को सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। स्कॉर्पियो काफी लंबा ट्रैफिक जाम है। हाँ, बजाता रहे।
है, बस ने आके फंसा दिया हमको। तो फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल माउंट मैंने शुरू में लगाया है, ये बात बड़ा लंबा भीड़ है लेफ्ट साइड से, शायद निकला जा सकता है। गूगल माता बोल रही है बाएं मुड़े। पुलिस वाला होकर कैसे गाड़ी चला रहा है ये, और ऊपर से हेलमेट भी नहीं लगाया। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। पुलिस वाला खुद ही हेलमेट नहीं लगा के चल रहा है, बिना हेलमेट के चल रहा है। सो फ्रेंड्स, जो मैं उस समय बोल रहा था, ये जो मोबाइल माउंट मैंने लगाया है यहाँ पर, ये किसी भी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब मैंने टेस्टिंग के लिए मोबाइल लगाया है, कैमरा माउंट जो इसमें मैंने मोबाइल लगाया है, तो ये अपने आप इतना वाइब्रेट करने लगा कि उसमें क्लियरली कुछ भी नहीं आ रहा था, ना रोड आ रहा है क्लियर, ना उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा था, वाइब्रेट इतना तेज हो रहा था। को निकाल दिया जाएगा जब ये किसी काम के ही नहीं है।
और वैसे भी अपाची आरटीआर 160 में सबसे ज़्यादा यही तो प्रॉब्लम है कि वाइब्रेट होता है, और इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था कि दोस्तों समझ से बाहर हो जाता है। मोबाइल इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था कि उसमें ना मेरी शक्ल दिख रही थी ठीक से और ना ही रोड दिख रहा था। तो देख सकते हैं आप, पुलिस वाले की गाड़ी बीचों रोड से गुजर रही थी। वैसे किसी ने अभी तक मुझे मोटो ब्लॉगिंग करते हुए नहीं रोका, और पुलिस वाले भी कई बार देख चुके हैं मुझे मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई तुम मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकते या फिर मोबाइल यहाँ पर क्यों लगाया है। ये सब चीज़ अभी तक किसी ने नहीं पूछा। दोस्तों खाली रोड है और खींचते हैं, और लगभग पहुंचने के बाद फिर आपसे बात करते हैं। भीड़ के अंदर बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ी चलाना चाहिए, बाइक चलाना चाहिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हमेशा हॉर्न बजा के चलिए ताकि अगला इल्ज़ाम ना दे सके कि भाई आपने हॉर्न नहीं बजाया। चलते चलते हम कहाँ आ गए। तो इस रोड पे लगता है मैं पहली बार आ रहा हूँ, ये रोड मैं जानता नहीं हूँ। लगता है कि रॉन्ग नंबर डायल करते हूँ गलती से।
खैर रोड जब है कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलता होगा और मुझे अपने मुकाम तक पहुंचा ही देगा। ₹650 के बाद दाएं जाने के लिए बोल रहा है गूगल, गूगल माता बोल रही है 650 मीटर के बाद गूगल माता बोल रही है 600 मीटर के बाद बोल रही है दाएं जाना है। तो फिलहाल तो 600 मीटर 500 मीटर ₹350 के बाद दाएं मुड़े हैं। ₹260 के बाद दाएं मुड़े हैं। कहाँ लेकर के आई मुझे, अच्छा हाँ दोस्तों, सिलेंडर को शॉर्टकट में आसान तरीके से ले जाने का यही एक तरीका है, चाहे सिलेंडर भरा हुआ हो या खाली हो, लुढ़काते हुए लेके चलो, वजन भी नहीं लगेगा और आराम से चला जाएगा। मेन रोड के ऊपर से जाना चाहिए था, स्मूथली जा पाते मेन रोड के ऊपर से, अगर जाते तो स्मूथली हम जा पाते। दोस्तों मुझे तो रोड मिल ही गया, लेकिन आप ऐसा शॉर्टकट मत लीजिएगा। मुझे तो शॉर्टकट मिल गया तो मैंने खींच दिया।
ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने का अपना मजा है। यहाँ से लगातार 13 किलोमीटर चलने के बाद हमको लेफ्ट टर्न लेना है, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद क्या अमवा बुजुर्ग वाला रोड, पता नहीं क्या नाम दिखा रहा है इसमें, लेकिन जो है 13 किलोमीटर अभी सीधा चलना है हमको नॉन स्टॉप। तो 86 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी बाइक चल रही है। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता दूं, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, दोस्तों समय और मौका नहीं मिला वैसा, कोई समय और वैसी कोई टॉपिक भी नहीं आई सामने कि मैं ये चीज़ आप सभी के सामने शेयर करूं, लेकिन अब वो मौका मिल गया है और समय भी है और सिचुएशन भी है ताकि आपको दिखा पाऊँ। तो दरअसल बात ये है कि दोस्तों जो हमारी मोटरसाइकिल है, जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर का जो स्पीड है, स्पीड रहता है वो हमेशा लगभग 10 किलोमीटर गूगल मैप के स्पीड से कम रहता है। अगर नहीं आप समझ पाए मेरी बात को तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि आप मेरे बाइक के मीटर में देख सकते हैं, अभी 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, और गूगल लोकेशन पे दिख रहा है 40 किलोमीटर के स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। हमेशा गूगल लोकेशन में स्पीड थोड़ा सा कम ही दिखाता है। जो 100 सीसी की बाइक, इससे पहले मेरे पास जो 100 सीसी की बाइक थी उसमें मैंने ट्राई किया था, तो उसमें दोस्तों लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र कम हम लोगों को दिखा रहा था, 10 किलोमीटर का रीडिंग कम दिखा रहा था। इसमें लगभग 5-7 किलोमीटर इधर उधर दिखा देता है कई बार, जैसे अभी 45 के स्पीड में, 44 के स्पीड में हम लोगों की बाइक चल रही है, और 42 की स्पीड में चल रही है, और 39। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 43 और 39, लगभग 2-3 किलोमीटर का कम स्पीड बताता है मोटरसाइकिल के साथ में, हमारे 160 के साथ में बता रहा है। बोध गया वैशाली, पंजाबी ढाबा। दोस्तों अगर खाना होना खाना है तो आप यहाँ से खा सकते हैं पंजाबी ढाबा से, लेकिन मुझे अभी खाना होना नहीं खाना है। Thank you.
कोई टोल पार कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों मीटर में 35 किलोमीटर बता रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोगा द ढाबा, मोगा ढाबा। दोस्तों यहाँ पर मेन रोड पे जो मेन हाईवे होता है, मेन हाईवे पे हम लोगों को ये जो दोनों तरफ ढाबा लगता है, ढाबा दिखता है, उसमें हम लोग खाना वाना खा सकते हैं। सात पॉइंट पाँच किलोमीटर के बाद हमको लेफ्ट टर्न लेना है। दोस्तों ये जो बगल से रोड जा रहा है, हम लोग इस रोड से भी जा सकते थे, लेकिन वो रोड कैसा होगा इसीलिए मैंने उस रोड पे गाड़ी नहीं बढ़ाई और इस रोड से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो लिंक रोड है ना। मेन रोड तो ये है, वो बगल वाला जो है वो लिंक रोड है। मेन रोड से भले ही आपको 10 किलोमीटर ज़्यादा पड़े, दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मेन रोड से भले ही आपको 10 किलोमीटर ज़्यादा पड़े, आप हमेशा मेन रोड पे ही, मेन रोड को ही पकड़ के चलिएगा। दोस्तों देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है चारों तरफ का। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहीं गलत रोड पे तो नहीं चल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये जो रोड है इसमें काम चल रहा था और अभी काम कंप्लीट हुआ है, इसीलिए मुझे इस रोड का व्यू जो है पहले से चेंज लग रहा है। दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, ये रोड पहले खड़ंजा बन गया था, लेकिन अब तो बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है।
किलोमीटर 4 किलोमीटर। एक बात समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये जो बाइक का साइड ग्लास है, जो लुकिंग ग्लास है, इसको लोग आखिर क्यों निकाल देते हैं। मतलब फैशन इतना बढ़ गया है कि इसको निकाल के चलाना जरूरी है। अगर इसको निकाल दिया तो इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर बाय चांस मान लो कोई साइड से आकर के साइड से अगर कोई ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हो तो उसको देखने के लिए मुझे पीछे मुड़ना पड़ेगा, लेकिन लुकिंग ग्लास के वजह से मुझे पीछे मुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं रुकने का मन कर रहा था, कहीं रुक करके थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा था दोस्तों। वैसे कहाँ रुका जाए, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद हमको लेफ्ट टर्न लेना है, उसके बाद देखते हैं कहीं ऐसा जगह होगा कोई, कहीं चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। कुशीनगर 1 किलोमीटर, बरौनी 308 किलोमीटर यहाँ से, बरौनी जंक्शन। दोस्तों हमेशा गूगल माता के भरोसे पे मत रहिएगा, क्योंकि गूगल माता ऐसे ऐसी जगह जाकर के अटका देगी कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का व्यू कितना बढ़िया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है चारों तरफ का। गूगल माता बोल रही है 400 मीटर के बाद बाएं मुड़े। नहीं, आपको सुनाई नहीं देगा, क्या है ना कि दरअसल हेडफोन मेरे कान में है और इसलिए यहाँ से बाएं मुड़ने के लिए बोला जा रहा है, और दाएं बाएं मुड़ते समय मैं हमेशा इंडिकेटर दे करके दाएं बाएं मुड़िएगा। वाओ, ये रूट तो मैं जानता हूँ। यहाँ से तो बहुत शॉर्टकट है दोस्तों, मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है,
जैसा कि आप देख सकते हो। आप ही को बोल रहा हूँ। यस, यहाँ पे एक फ्रेंड मिले हम लोगों को, इनसे पूछ लेते हैं। इस जगह का नाम क्या है? कुशीनगर। अच्छा, यहाँ से पड़ रहा हो ना, कितना किलोमीटर पड़ेगा? 18 किलोमीटर। अच्छा, 19 किलोमीटर। भाई ये रोड कहाँ जा रहा है? हाँ, एयरपोर्ट के पास, कुशीनगर एयरपोर्ट। कितना किलोमीटर है यहाँ से? अच्छा, पढ़ रहा हो ना, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? पढ़ रहा हो ना, कितना किलोमीटर होगा? ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुशीनगर एयरपोर्ट वाला रोड है ये। कुशीनगर एयरपोर्ट देखकर आते हैं। बहुत सुना है कि कुशीनगर में एयरपोर्ट चालू हो गया है, और इससे पहले जब मैं आया था तब कुशीनगर एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो कुशीनगर एयरपोर्ट चालू हो गया है, लोग बता रहे हैं। तो चलकर देखा जाए कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ है, और बाहर से ही हो लेकिन चलते हैं, चलकर देखकर आते हैं कि कैसा जगह है और कहां पर है वो। दोस्तों, देखा आपने मोटरसाइकिल वाला जो आ रहा था वो हमको यहाँ पर आने से रोक रहे थे। यही है क्या भैया एयरपोर्ट? एयरपोर्ट एयरपोर्ट उधर से। अच्छा, एयरपोर्ट वाला रोड दोस्तों उधर से जाने वाला है। लोगों ने हम लोगों को बता दिया कि उस रोड से एयरपोर्ट हम लोग जा सकते हैं। वैसे यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया हमको लग रहा है। यहाँ से एक छोटा सा व्यू ले लेते हैं। हेलमेट के अंदर तो लग रहा है जैसे गर्मी लग गई हो। ठंड का समय है लेकिन हेलमेट के अंदर मुझे महसूस हो रहा है गर्मी लग गई हो। चलिए अब अपना थोबड़ा आप लोगों के सामने पेश करते हैं। दोस्तों, बहुत दिन के बाद इस इलाके में वापस आ रहा हूँ। आज लगभग 1 से 1.5 साल के बाद मैं इस इलाके में वापस आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा पहले ही था, वैसा ही है आज भी। बगल में रिलायंस का पेट्रोल पंप, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों।
कॉल करें। दोस्तों ये है पडरौना और ये पडरौना का हीरो एजेंसी है ये बगल में, और आगे टीवीएस एजेंसी भी है। यहाँ पे बैटरी वाली रिक्शा भी मिल जाती है। ये होंडा शोरूम है, पडरौना होंडा शोरूम, रॉयल एनफील्ड। टाटा मोटर्स, टाटा शोरूम। और ये एचडीबी बैंक। हाँ तो फाइनली गूगल माता ने बोल दिया 300 मीटर के बाद दाएं मुड़े। आई दादा, अब यहाँ से हमको दाएं मुड़ने का है। गूगल माता के कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोगों को इसी जगह से दाएं मुड़ने का है, तो मुड़ जाओ। मामू लोग सामने खड़े हैं। ड्यूटी पूरा करे तो अच्छा लगता है, लेकिन ड्यूटी के समय पे सो जाए। मेरे पिछले वीडियो में जैसा आपने देखा, ये तो ठीक है ना है। दोस्तों रेत के ऊपर कभी भी ब्रेक नहीं मारना चाहिए। हार्ड ब्रेक अगर रेत के ऊपर मारेंगे तो तुरंत स्किड हो जाएगी गाड़ी। देखा जाए जरा
गूगल माता क्या कहती है, कितना किलोमीटर है? 5.8 किलोमीटर। डेस्टिनी यहाँ से बस 5.8 किलोमीटर है। बातों ही बातों में मालूम नहीं चला कि कैसे मैं इतने दूर का सफ़र पूरा कर लिया। वैसे आप लोगों के लिए तो कम समय है, कम समय का वीडियो देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फील तो मैंने किया ना। और अब मालूम चलता है कि 30% ठंड भी लग रही है मुझे। 30% ठंड और 70% ठंड नहीं है। हाँ बस अब पहुंचने ही वाले हैं। ये जो जगह है दोस्त, इस जगह एक बार मेरी गाड़ी स्किड होने वाली थी। काफ़ी पहले एक बार आया था, तो आने के बाद उस समय मेरे पास पल्सर थी, पल्सर 125 सीसी मेरे पास बाइक थी, जिस बाइक को मैं चला रहा था। तो जब मैंने ब्रेक मारा, अगला चक्का बिल्कुल स्किड होके चला गया। तो शुक्र है कि गिरा नहीं। थोड़ा थोड़ा भूख भी महसूस हो रहा था। इससे आगे जाएंगे तो इससे आगे तो कोई मार्केट भी नहीं है। ऐसा करते हैं, यहीं से कुछ खा लेते हैं।